हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AM हेयर स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं हेयर कट के बारे में। अब हेयर कट कौन सा रहने वाला है? हेयर कट रहने वाला है फेस फ्रेमिंग हेयर कट। तो कितने टाइप के ये फेस फ्रेमिंग हेयर कट रहने वाले हैं, कौन कौन से हेयर कट रहने वाले हैं और कैसे हम करते हैं हेयर कट, तो सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। करते हैं स्टार्ट। तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे 4 बेसिक सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन हमने निकाल लिए हैं, सेंटर प्रोफाइल एंड रेडियल। तो दोनों सेक्शन हमारे निकल गए हैं, 4 भाग में डिवाइड हो गए पार्ट। अब हम फ्रंट से गाइडलाइन लेने के लिए हम फ्रंट वाले बालों को ओपन करेंगे और दोनों तरफ से डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे, लाइक पिरामिड। जैसे पिरामिड सेक्शन होता है कुछ उस तरह का, हम जब दोनों तरफ से डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन निकालेंगे तो हमारा पिरामिड सेक्शन बन जाएगा। अब हमने ये देखना है क्लाइंट की लेंथ कितनी है, क्लाइंट को कितने शॉर्ट बाल चाहिए फ्रंट से, फिर हम फ्रंट में गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। गाइडलाइन क्रिएट करने से पहले हमने बैक साइड के बालों की लेंथ भी चेक कर लेनी है। 1 लेंथ हमने पहले कर लिया था। अब हमने देखा कि क्लाइंट्स के बैक साइड के बालों की लेंथ बहुत छोटी है, क्योंकि आप देखोगे फ्रेंच एरिया तक भी बैक के बाल नहीं आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, फ्रंट के बालों को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रख सकते क्योंकि बालों की लेंथ पहले ही काफ़ी छोटी है। हमने चिन लेवल से एकदम चिन लेवल के पास में ही बालों को कट कर लेंगे। आप इसको स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं या फिर आप वी कट भी कर सकते हैं। तो मैं सेक्शन थोड़ा छोटा लेना चाहूँगा क्योंकि बालों की लेंथ कम है। आप बड़ा सेक्शन भी यूज कर, बड़े सेक्शन भी ले सकते हैं। तो छोटा सेक्शन लेने का फ़ायदा ये होता है, बाकी बालों में आपको डायगोनल कट करने का मौका मिल जाएगा, उसमें डायगोनल कट करने के चांस मिल जाएगा। अब हमने गाइडलाइन क्रिएट कर ली है, हमारी फ्रंट से बालों की लेंथ इतनी ही रहने वाली है। हम डिवाइड कर देंगे, फिर अब देखिए डिग्री 0 डिग्री पे हम कट कर रहे हैं, हम गाइडलाइन स्टेशनरी कर रहे हैं। अब इस स्टेशनरी गाइडलाइन को भी ओवरडेक्ट करके कट कर सकते हैं हम, लेकिन हम जो सिंपल टेक्निक है वही करेंगे। अगर हम इसको यहाँ ले जाके कट करते हैं, ओवर डायरेक्ट करते हैं यहाँ के बालों को, उसके अपोजिट कट करते हैं तो उसको ओवर डायरेक्शन बोलते हैं। लेकिन हम फ्रेंच एरिया के बालों को उसी की डिग्री के पास काट रहे हैं स्टेशनरी गाइडलाइन पर ले जाके, लेकिन जो हेयर कटिंग टेक्निक रहेगी हमारी वो क्रॉस रहेगी यहाँ से और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे बालों को। इसको आप डाउन टू अप भी कट कर सकते हैं, अप टू डाउन भी कट कर सकते हैं। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, हम डाउन टू अप कट कर रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग आ रही है। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, कॉम रूट से करें, आई होप आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी लेयरिंग इसमें आई है। फ्रंट्स में पूरी लेयर्स आ गई हैं। फिर हम इसके अपोजिट साइड जो दूसरा वाला सेक्शन था, हम वहाँ से सेक्शन निकाल लेंगे डायगोनल और सेम डिग्री पे ले जाके। देखिए जब हम इस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड कट करते हैं, तो हमारी जो हैंड की पोजीशन है वो ठीक से नहीं आती अगर हम ऐसे करते हैं, तो हम इसको पोजीशन हमारी
चेंज कर सकते हैं। तो गाइडलाइन हमारी देखिए, ये गाइडलाइन है और ये एंड लाइन है। तो हमने यहीं से कट करते हुए एंड लाइन के पास तक जाना है। फिर हम एक और डायगोनल सेक्शन लेंगे, और जहां से गाइडलाइन दिखी वहां से काटना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारा बचा हुआ जो सेक्शन था उसको भी हम, आप इससे और भी छोटे सेक्शन पे काम कर सकते हैं। मैंने एक साइड से 3 सेक्शन लिए हैं, आप 5 सेक्शन भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने छोटे सेक्शन होते हैं उतना ही अच्छा हेयर कट होता है, उतना ही फिनिशिंग से हेयर कट होता है, उसमें बार बार रिचेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मोटे सेक्शन पर काम करेंगे तो उसमें रिचेक करना पड़ता है बार बार। तो ये हमारे फ्रंट के दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दोनों सेक्शन को चेक करेंगे, दोनों की लेंथ सेम है या नहीं है। तो लेंथ हमारी लगभग सेम है, बैक साइड वाले बालों को, जो हमारे बैक साइड वाले बाल थे उनको भी ओपन कर लेंगे और डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेंगे एक, और आगे वाले बालों के साथ में मर्ज करेंगे इनको भी। अब जो हमारी रेडियल सेक्शन था, जो हमारा रेडियल सेक्शन था उससे आगे के बालों को हमने क्या किया है, स्टेशनरी गाइडलाइन पे कट किया है, क्योंकि ये यहीं के बाल थे, यहीं पे कट हुए हैं। जो रेडियल सेक्शन से बैक साइड वाले हेयर थे उनको हम ओवर डायरेक्ट करेंगे, यानी कि पीछे के वालों को आगे लेके आएंगे, तो ये ओवर डायरेक्शन हो रहे हैं। इसलिए हम इसमें दो गाइडलाइन यूज कर रहे हैं, स्टेशनरी गाइडलाइन और ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन। हम पीछे वाले वालों को, रेडियल से पीछे वाले वालों को आगे लेके आ रहे हैं। पीछे के बाल पहले ही छोटे थे इसलिए वो ज़्यादा नहीं कटेंगे, हो सकता है वो सेक्शन तक ना भी पहुंच पाए। तो बैक साइड के बाल ऑलरेडी शॉर्ट हैं इसलिए हम सिर्फ फिनिशिंग कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं बैक साइड के बाल, क्योंकि पहले ही बैक साइड के बाल छोटे हैं। क्राउन एरिया के बाल जो हैं, नेप एरिया के बाल जो हैं, पहले ही छोटे हैं। तो ये आप देखोगे तो हमारा फेस फ्रेमिंग हेयर कट कम्प्लीट हो गया है। फ्रंट से हमने पूरी लेयरिंग ऐड की है बालों में, यहाँ से लेयर स्टार्ट हुई है जो हमने गाइडलाइन ली थी, और यहाँ से लेके हमारे बालों के एंड तक जो है ये पूरी लेयर है। आई होप आपको दिख रही होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर कट लगता है ये कंप्लीट होने के बाद में, और ब्लो ड्राई करने के बाद में जब हम इसमें इन टर्न ब्लो ड्राई करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत हेयर कट लगता है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हेयर कट है मोस्टली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को ये हेयर कट बहुत ही पसंद आते हैं। इसमें पूरी लेयर्स दिखती हैं, ये आई होप आपको दिख रही होंगी, यहाँ से और यहाँ तक लगभग
डेढ़ से दो फुट यानी कि लेंथ जितनी है बालों की स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेयर ही लेयर इसमें आ रही हैं। इसको फैदर हेयर कट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लेयर हेयर कट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फॉरवर्ड ब्लंट हेयर कट है। हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने हिसाब से नाम दे देते हैं हेयर कट का। तो ये था कुछ हेयर कट, फॉरवर्ड ब्लंट हेयर कट। ब्लंट इज़ जीरो डिग्री, हमने जीरो डिग्री पे हेयर कट किया है, इसीलिए हमने इसका हेयर कट और फॉरवर्ड यानी पीछे के सभी वालों को हमने आगे फॉरवर्ड किया है, इसीलिए हमने इसका नाम फॉरवर्ड ब्लंट हेयर कट रखा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा फॉरवर्ड ब्लंट हेयर कट, कौन सी डिग्री पे हमने किया है, कौन से सेक्शन पे हमने किया है, कैसे कैसे हमने कौन सी गाइडलाइन यूज़ की है, ए टू जेड मैंने आपको प्रॉपर हेयर कट करके दिखाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।